EE302 में आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के बारे में कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स क्या होता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन के मोशन को कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम काम में लिया जाता है उसे हम इलेक्ट्रिकल ड्राइव बोलते हैं। यानी कि द सिस्टम विच इज़ यूज फॉर कंट्रोलिंग द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मशीन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल ड्राइव। दूसरे शब्दों में अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल मोटर जिसके अंदर हम उपयोग में लेते हैं उसे हम उस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिकल ड्राइव कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव बेसिकली इलेक्ट्रिकल मोटर यूज़ करके किसी भी मशीन को कंट्रोल में करने के लिए काम में लिया जाता है। द इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूजेस एनी ऑफ द प्राइम मूवर्स। अब इलेक्ट्रिकल ड्राइव को भी मूवमेंट के लिए, रोटेशन के लिए जो मैकेनिकल पावर की ज़रूरत पड़ती है वो मैकेनिकल पावर उसे प्राइम मूवर्स के थ्रू मिलती है। प्राइम मूवर्स जैसे कि हमारे डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन हो सकता है, गैस और स्टीम टर्बाइंस हो सकते हैं, स्टीम इंजन्स हो सकते हैं, हाइड्रोलिक मोटर्स हो सकते हैं, या फिर कोई दूसरी इलेक्ट्रिकल मोटर जिसे हम प्राइमरी सोर्स की तरह काम में लेंगे। ये जो प्राइम मूवर होता है ये सप्लाई करता है मैकेनिकल एनर्जी टू द ड्राइव फॉर मोशन कंट्रोल। इलेक्ट्रिकल ड्राइव जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल मोटर्स लगी हुई है उनको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करने का काम प्राइम मूवर करता है। एडवांटेजेस क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइव यूज़ करने के? फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स की जो टॉर्क रेंज कैपेसिटी होती है वो काफ़ी अधिक होती है। इसी प्रकार इसकी स्पीड और पावर भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इनकी जो वर्किंग होती है वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करती। यानी कि जो भी हमारे आसपास वातावरण में चेंजेस होते रहते हैं उनके ऊपर, उन चेंजेस के ऊपर इसका ऑपरेशन निर्भर नहीं करता है और ये पोल्यूशन फ्री होता है। इलेक्ट्रिकल ड्राइव जो है स्पीड टॉर्क प्लेन के चार क्वाड्रेंट्स होते हैं स्पीड टॉर्क प्लेन में, और उन चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर इसे हम ऑपरेट कर सकते हैं। ड्राइव कैन ईजिली बी स्टार्टेड। इसको स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसे हम ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं और इसे किसी भी प्रकार के रीफ्यूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एफिशिएंसी जो होती है इन ड्राइव्स की वो काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि इनके अंदर लॉसेस बहुत ही कम होते हैं। जैसे कि हमको पता है जितने ज़्यादा लॉसेस होंगे मशीन की एफिशिएंसी उतनी कम होगी, तो इसी प्रकार इसके अंदर लॉसेस बहुत ही कम होते हैं और इस कारण इसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं इसके, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के कुछ हानियाँ भी हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि पावर फेलियर के कंडीशन में पूरा सिस्टम हमारा बंद हो सकता है। जैसा कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, इलेक्ट्रिकल मोटर्स इसमें काम में ली जाती है और इलेक्ट्रिकल मोटर्स इलेक्ट्रिकल सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है, तो अगर किसी भी प्रकार का सिस्टम में पावर फेलियर हो जाए या सप्लाई चली जाए तो हमारा पूरा सिस्टम वहीं पर बंद हो सकता है, काम रुक सकता है। दूसरा ये है कि इस एप्लीकेशन ऑफ द ड्राइव इज़ लिमिटेड। इसकी एप्लीकेशन बहुत ही लिमिटेड होती है, हर जगह हम इसे काम में नहीं ले सकते। क्यों? बिकॉज इट कैन नॉट यूज़ इन अ प्लेस वेयर द पावर सप्लाई इज़ नॉट अवेलेबल। जैसा कि इनको पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है हमें पता है, तो जहाँ पावर सप्लाई नहीं अवेलेबल है वहाँ पर हम इन ड्राइव्स को यूज़ में नहीं ले सकते हैं। तीसरा, इट कैन कॉज नॉइज़ पोल्यूशन। इनकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है, जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है इसकी सिस्टम की, वो काफ़ी अधिक होती है। इनका डायनेमिक रिस्पॉन्स काफ़ी पुअर होता है। द आउटपुट पावर ऑप्टेन फ्रॉम द ड्राइव इज़ लो। जो आउटपुट पावर हमें मिलती है ड्राइव से वो कम होती है, और ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ कंडक्टर्स या शॉर्ट सर्किट के टाइम जो सिस्टम है वो डैमेज हो सकता है और इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। काफ़ी प्रॉब्लम्स का मतलब है कि इस सिस्टम के साथ किसी भी कंडक्टर या कोई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ गया किसी भी मोटर के अंदर, या कोई भी शॉर्ट सर्किट कंडीशन आ गई, तो उस केस में पूरा सिस्टम डैमेज हो सकता है, हमारा ख़राब हो सकता है, और उसी के उस सिस्टम में जितने भी हमारे पार्ट्स लगे हुए हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। एप्लीकेशंस का यानी कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स हम कहाँ कहाँ काम में ले सकते हैं? दीज आर यूज्ड इन लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक एप्लीकेशन। हम इन्हें डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में भी काम में लेते हैं और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, दोनों ही जगह हम इसे काम में लेते हैं। डोमेस्टिक एप्लीकेशंस और इंडस्ट्रियल में एग्जांपल जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स हुआ, रोलिंग मिल्स हुए, इंडस्ट्रीज हुए, पेपर मशीन्स हुई, टेक्सटाइल मिल्स हुए, मशीन टूल्स हुए, या डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए अगर बात करें तो हमारे फैंस या पंप्स जो होते हैं, रोबोट्स होते हैं, या वॉशिंग मशीन्स जो होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिकल ड्राइव का यूज़ आता है। इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स और मैकेनिकल ड्राइव्स दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल और एक मैकेनिकल। हम इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स को क्यों प्रेफर करते हैं या इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स का क्या रोल है मैकेनिकल ड्राइव्स के ऊपर? तो कुछ एडवांटेजेस है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स को मैकेनिकल ड्राइव्स के ऊपर रखते हैं या उन्हें हम उनकी जगह यूज़ में लेते हैं अधिक। पहला ये कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव जो होती है वो बहुत ही क्लीन होती है क्योंकि इनके अंदर किसी भी प्रकार का फ्यूल या फ्यूम्स बर्न नहीं होता है, कोई एशेज वगैरह का नहीं निकलने का होता है, तो इसलिए ये काफ़ी क्लीन होती है। इनमें किसी भी प्रकार, जैसा कि पहले इसका एडवांटेज हमने पढ़े थे कि ये पॉल्यूशन फ्री होती है, तो इसी वजह से ये जो ड्राइव्स होती है काफ़ी क्लीन होती है। और यही मैकेनिकल ड्राइव्स की अगर बात करें तो उसमें फ्यूल काम में लिया जाता है जिसकी वजह से वो क्लीन
परफॉर्मेंस नहीं देती है। दूसरा, इलेक्ट्रिकल ड्राइव काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है बिकॉज दे कैन बी बॉट एनी वेयर एंड कैन बी कंट्रोल फ्रॉम एनी लोकेशन। हम इसमें ऑटोमेशन जनरेट करके इसको कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं और इसे हम कहीं भी यूज़ में ले सकते हैं जहाँ पावर सप्लाई मेरी अवेलेबल है। तीसरा, इन्हें स्पेस बहुत ही कम रिक्वायर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल ड्राइव, क्योंकि काफ़ी कॉम्पैक्ट सोर्स होता है, काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड रिलायबल सोर्स इसमें ड्राइव्स के हम काम में लेते हैं। जो मोटर की ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो इजीली हम मॉडिफाई कर सकते हैं या इजीली हम उसको समझ सकते हैं। पांचवा, इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है वो काफ़ी कम होती है क्योंकि इसमें काफ़ी कम हम मैकेनिकल पार्ट्स ही यूज़ में लेते हैं, तो इसलिए इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, रख रखाव की जो इनकी लागत आती है वो बहुत ही कम होती है मैकेनिकल ड्राइव्स के मुकाबले। और इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग जो होती है इसके अंदर वो काफ़ी सुपीरियर और काफ़ी अच्छी होती है, जिस वजह से ये काफ़ी इकोनॉमिकल होती है ड्राइव्स। इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स भी दो प्रकार से हम इन्हें उपयोग में लेते हैं, एक होता है इंडिविजुअल ड्राइव और एक होती है ग्रुप ड्राइव। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इंडिविजुअल ड्राइव मतलब एक सिंगल ड्राइव की तरह काम में लिया जाता है और ग्रुप ड्राइव मतलब हम जिसमें अधिक ड्राइव्स को, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स या इलेक्ट्रिकल मोटर्स को काम में लेते हैं। दोनों का कंपैरिजन दिखाया गया है इसमें कि इंडिविजुअल ड्राइव और ग्रुप ड्राइव में क्या अंतर है। इंडिविजुअल ड्राइव जो होती है वो हम स्मॉल साइज वर्कशॉप में काम में ले सकते हैं, जहाँ पे हम मशीन्स को इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और ग्रुप ड्राइव में हम मीडियम या लार्ज साइज़ की जो वर्कशॉप्स होती हैं, जहाँ पे काफ़ी बड़ा आउटपुट हमें चाहिए होता है, उनमें हम ग्रुप ड्राइव का यूज़ में लेते हैं, जहाँ पे मशीन्स को हम अलग अलग स्कैटर्ड करके नहीं रख सकते। इंडिविजुअल ड्राइव की जो स्पीड होती है, इनमें जो मशीन्स की जो स्पीड होती है वो कैन बी कंट्रोल सेपरेटली, क्योंकि सिंगल ड्राइव है तो हम हर मशीन की स्पीड को हम इंडिविजुअली सेपरेटली कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप ड्राइव्स में बहुत सारी ड्राइव्स लगी होती है, साथ में बहुत सारी मोटर्स होती हैं, तो उनके अंदर जो है वो कौन पुलीज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ वाइड रेंज ऑफ स्पीड। तीसरा, मशीन की जो शाफ्ट होती है इट कैन बी रोटेटेड इन एनी डायरेक्शन, लेकिन ग्रुप ड्राइव में हमें डिफ़िकल्टी आती है उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। इंडिविजुअल मशीन डज नॉट अफेक्ट अदर मशीन्स व्हेन द फेलियर ऑफ अ मोटर, अगर किसी एक मोटर का फेल हो गई तो उसकी वजह से पूरा सिस्टम बंद नहीं होगा हमारा, क्योंकि सारी ड्राइव का अलग अलग फंक्शन है और वो अलग अलग ही ऑपरेट कर रही है। लेकिन ग्रुप ड्राइव में क्या होता है कि एक भी मशीन का अगर फेलियर हो जाए या मेन मोटर जो हमने लगाई हुई है जिसके ऊपर बाकी सारी मोटर्स निर्भर कर रही है, बाकी सारी मोटर्स का ऑपरेशन निर्भर करता है, अगर वो मेन मोटर ही फेल हो जाए तो मेरा एंटायर ग्रुप ऑफ मशीन जो है, जो जितनी भी मशीन्स है जो उसके साथ लगी हुई है सीरीज़ में, वो सारी स्टॉप हो जाएगी और वहीं पर मेरा काम रुक जाएगा। इंडिविजुअल ड्राइव में जो पावर है वो कम वेस्ट होती है क्योंकि उसमें कम मशीन्स चाहिए, और ग्रुप ड्राइव में मोर पावर इज़ वेस्टेड इफ़ लेस मशीन्स आर रनिंग बट मोर इकोनॉमिकल व्हेन ऑल मशीन्स आर वर्किंग इन फुल लोड। अगर हम फुल लोड की बात करें, फुल लोड पे अगर हमारी मशीन्स काम करें तो वो ज़्यादा इकोनॉमिकल है, लेकिन इसमें पावर भी ज़्यादा वेस्ट होती है। इंडिविजुअल ड्राइव का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी हाई होता है, यानी कि इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल ड्राइव का हाई होता है, काफ़ी अधिक होता है, और ग्रुप ड्राइव का जो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो कम होता है। थैंक यू।